हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी ऑना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए एगलेस ट्यूटी फ्रूटी केक बनाने जा रहे हैं। इसे आप टी टाइम केक भी कह सकते हैं। केक बैटर बनाने के लिए आज हम इलेक्ट्रॉनिक बीटर या हैंड बीटर का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि मिक्सी का यूज़ करने वाले हैं। और ये केक बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी, सॉफ्ट और टेस्टी बनने वाला है। और इस केक को हम कढ़ाई में बेक करेंगे। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, स्टैंड रखा है, और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट गर्म करेंगे। आप चाहें तो भगोने, कुकर या ओवन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक केक टिन लिया है और इसमें हम रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं। बटर पेपर को अच्छे से सेट करेंगे। आप इसके जगह मैदे की डस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल को अच्छे से लगा दिया है और ये केक टिन बिल्कुल तैयार हो गया है। केक बैटर बनाने के लिए अब मैंने आधा कप दही लिया है और इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे। एक चौथाई कप रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। आप इसके जगह मेल्टेड बटर का भी यूज कर सकते हैं। आधा कप चीनी डाल देते हैं। इसके बाद हमें तीनों चीजों को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है, तो लगभग इसे हम 40 से 50 सेकेंड के लिए ब्लेंड कर लेते हैं। अब इसमें हमें मैदा डालना है, तो यहाँ मैंने एक कप मैदा लिया है और इसे भी हम मिक्सी के जार में डाल रहे हैं। साथ में एक चौथाई कप मिल्क पाउडर डाल देते हैं, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच पाइनएप्पल एसेंस डाल रहे हैं। आप इसके जगह वेनिला एसेंस का भी यूज कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच यानी 1 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे। इससे केक बहुत ही स्पॉन्जी बनता है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे ना यूज करें। एक चौथाई कप मिल्क यानी दूध डाला है और इसके बाद एक बार फिर से हमें अच्छे से इसे ब्लेंड करना है। एक बार फिर से मैंने इसे 30 से 40 सेकेंड के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और अगर आपको लग रहा है कि अभी सभी चीज़ें अच्छे से नहीं मिक्स हुई हैं, तो आप इसे कुछ सेकेंड के लिए और ब्लेंड कर लें। तो यहाँ सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और केक का बैटर बनकर तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट बैटर बना है, बहुत पतला नहीं है, बहुत गाढ़ा नहीं है। तो अब इसमें हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देते हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कलरफुल टूटी फ्रूटी डाली है और बहुत ही हल्के हाथ से इसे मिला लेंगी। इस समय आपको इसे ब्लेंड नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथ से इसे मिलाना है। और इसके बाद इसे हम केक टिन में डाल देते हैं। तो यहाँ जो बैटर बना है ये बहुत ही अच्छा बना है, मिक्सी के जार में बना है, और ऊपर से मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाली है कलरफुल, जिससे ये केक और भी अच्छा लगेगा। हल्का सा टैप कर रहे हैं और इसके बाद इसे हमें बेक करना है। तो फटाफट इसे हम कढ़ाई में रख देते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे बेक करेंगे, लगभग 35 से 40 मिनट लगेगा। आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। 180 डिग्री पर लगभग 30 से 35 मिनट में ये बेक हो जाएगा। तो यहाँ जो केक है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। इसी साथ आज हम आपको मेशो ऐप के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप घर बैठे 20 से 30 हजार रुपए बहुत ही आराम से कमा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऐप के डाउनलोड होते ही आपके सामने ढेर सारे प्रोडक्ट आएंगे। जो भी प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है उसे आपको शेयर करना है व्हाट्सएप, फेसबुक या जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। ऑर्डर आने पे अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, मेशो पे प्लेस कर देना है ऑर्डर को। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सब काम मेशो करेगा। जो भी आपका प्रॉफिट है वो 10 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और जिन्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है वो 7 दिन के अंदर उसे रिप्लेस कर सकते हैं, और पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जो एगलेस टी टाइम केक है ये ठंडा हो गया है हल्का सा, तो अब इसे हम केक टिन से निकाल लेंगे और इसके बाद इसे हम कूलिंग रैक पर रखेंगे, और अच्छे से ठंडा करने के बाद इसे हम काट कर सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि केक का कलर कितना बढ़िया आया है, केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, और जो केक का बैटर है उसे मैंने मिक्सी के जार में बनाया है। तो इस बार आप भी मिक्सी का यूज़ करके केक बैटर को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फटाफट इस केक को ठंडा कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं। ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है।
तो इस बार आप इस केक को जरूर बनाएं, मिक्सी के जार में अच्छे से ब्लेंड करें और इस केक को बनाएं। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आते रहते हैं। तो ऐसी ही और नई रेसिपी को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा केक बना है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और यकीन मानिए इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो एक बार फिर से मिलते हैं ऐसी एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।